देश के अंदर एससी एसटी ओबीसी के नेता एमएलए एमपी बनने के बाद समाज के लिए कोई भी कार्य नहीं करते थे, लेकिन अभी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि बीजेपी के ब्राह्मण सांसद शरद त्रिपाठी ने ओबीसी विधायक राकेश वंघेल को जूतों से मारा और वो भी भरी सभा के अंदर। सिलापट में नाम को लेकर भाजपा सांसद ने विधायकों को जूतों से पीटा। हम आपको बता दें कि ये घटना कलेक्टर सभागार में बुधवार को शाम जिला योजना समिति में बैठे दौरान भाजपा नेताओं ने शर्मसार कर देने वाली हरकत की। प्रभारी मंत्री आशुतोष टंडन के सामने ही शतक संत कबीरनगर खलीलाबाद के सांसद शरद त्रिपाठी व मेहरावन के विधायक राकेश सिंह के वघेल के विकास कार्यों में शिलापट पर नाम ना लिखने की बात पर भिड़ गए। सांसद इस कदर गुस्सा हो गए कि विधायक पर ताबड़तोड़ जूते बरसा दिए। सुरक्षा कर्मियों के बीच बचाव किया गया। इस दौरान विधायक ने भी सांसद पर कई घूंसे रसीद कर दिए। आम चुनाव की तारीख घोषित होने से पहले विकास कार्यों के लिए प्रस्तावित बजट अनुमोदन के लिए बुधवार को बैठक बुलाई गई थी। इसमें जिले के प्रभारी मंत्री एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री आशुतोष टंडन मुख्य अतिथि थे। बैठक शुरू होने के कुछ ही देर बाद दोनों उलझ गए। दोनों के बीच मारपीट देख मंत्री आशुतोष टंडन, डीएम रवीश कुमार गुप्ता और अन्य विधायकों ने भी बीच बचाव कराया। इसके तुरंत बाद मंत्री बैठक छोड़कर लखनऊ लौट गए। मारपीट के बाद कलेक्टर के एक कमरे में बैठे सांसद को सुरक्षित निकालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इसके बाद गुस्साए भीड़ ने कलेक्टर में तोड़फोड़ कर दी। विधायक कलेक्टर परिसर में ही धरने पर बैठ गए। लोग सड़क पर आ गए। खलीलाबाद मेहदवान मार्ग पर जा रही रोडवेज बस पथराव कर दिया। इस तरह की घटनाएं बहुत ज्यादा देखती आ रही हैं। बीजेपी के सांसदों के जो भी कार्य हो रहे हैं वो पिछले 5 साल से बीजेपी के कोई भी कार्य नहीं है। अब कार्य करने की होड़ लगी हुई है और सिर्फ नाम के लिए जूते बरसाए जा रहे हैं एससी एसटी ओबीसी समाज के ऊपर। हम आपको बता दें कि ओबीसी समाज के विधायक राकेश वघेल को जूतों से मारा है और ये समाज कब तक पिटता रहेगा ये पता नहीं। ये थी एसएम न्यूज की रिपोर्ट।